गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खाद की किल्लत को लेकर कहा कि खाद की किल्लत की वजह से सीहोर में एक किसान की जान चली गई और कमलनाथ ने उस पर ट्वीट भी किया है। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि वह खाद की लाइन में नहीं लगे थे, उन्हें पर्ची मिल गई थी और पर्ची लेने के बाद वह खाद लेने जा रहे थे, उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आया। और जहां तक बात है कांग्रेस और कमलनाथ की, तो वो सबसे पहले किसानों से कर्ज माफी के मामले में माफी मांगे। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से उस समय झूठ बुलवाया था कि 10 दिन में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। अब उनकी राहुल गांधी फिर से मध्य प्रदेश में आ रही हैं, कम से कम इस पर कुछ स्पष्टीकरण दे दें। कांग्रेस है जो किसान को कर्ज माफी के नाम पर धोखा देती थी, राहुल गांधी से झूठ बुलवाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय राहुल गांधी थे कि 10 दिन में 2 लाख का नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो आ रहे हैं राहुल गांधी, या तो माफी मंगवा दे या स्पष्टीकरण दिलवा दे, कुछ तो करवा दे तो राहुल गांधी से अपनी यात्रा के लिए। सर इंदौर से विधायक हैं संजय शुक्ला, वो कल कह रहे थे कि बीजेपी से मुझे ऑफर था लेकिन मैं बीजेपी में नहीं आऊंगा, कांग्रेस ने पार्षद बनाया विधायक बनाया तो कांग्रेस में आऊंगा। तो राहुल गांधी की यात्रा से पहले फिर से भगदड़ मची, वही रहे प्रसन्न रहे, अब कोई भगदड़ की आवश्यकता नहीं है ना ही जरूरत है।